हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रितिका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिव्यू एक हेल्दियर नूडल ऑप्शन का। ये मल्टी मिलेट नूडल्स है और ये सजेस्ट करी थी फिट ट्यूबर ने, जिन्हें आप मुझे पक्का यकीन है कि जानते ही होंगे। मैंने उनके सजेस्ट किए हुए प्रोडक्ट्स पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने फिट ट्यूबर के सजेस्ट किए हुए और भी प्रोडक्ट्स रिव्यू करे हैं, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ उन्हें चेक कर सकते हैं। मैं एक नूडल लवर हूँ और एक वो मदर भी हूँ जिसकी बेटी को नूडल्स पसंद है, लेकिन मैं उसे बहुत ज़्यादा नूडल्स नहीं देती हूँ क्योंकि वो बहुत छोटी है। उसकी उम्र लगभग 3 साल है, 2 महीने बाद वो 3 साल की पूरी हो जाएगी। सो वो कितनी बार मुझे बोलती है, माँ मुझे नूडल्स चाहिए। सो मुझे एक हेल्दियर ऑप्शन चूज़ करना था। सो मैंने फिट ट्यूबर की वीडियोज़ देखी, उन्होंने डिस्क्रिप्शन में सजेशन दिया हुआ था किसी वीडियो के इस नूडल के बारे में। ये मल्टी मिलेट नूडल्स मुझे पड़े हैं 195 ग्राम्स, 165 रुपीज़ के। ये एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर या कोई फ्लेवर एडेड नहीं है, नो MSG, कोई मैदा नहीं है। इसके इंग्रेडिएंट्स में सीरियल 99.99% है, जिसमें वीट हो गया, मल्टी मिलेट में फिंगर मिलेट हो गई, रागी, बहुत सारी ऐसी लिटिल मिलेट है और ग्राउंडनट ऑयल है और साथ ही साथ सॉल्ट भी है। इसके टेस्ट मेकर में चिली पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, पेपर, जिंजर एंड स्पाइसेस है। ये 100% नेचुरल नूडल्स हैं। सर्व्स फॉर 2 adults and 2 kids। इट कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, डायट्री फाइबर एंड सेवरल मिनरल्स। इट इज़ गुड फॉर इम्यूनिटी एंड हेल्दी डाइजेशन। अब बात आती है कि इसे बनाना कैसे है। हमें नूडल्स को बॉयल करना है लगभग 3 मिनट के लिए, उसके बाद हमें इसे ड्रेन करना है। मैंने भी इसी तरीके से किया, लेकिन मैंने साथ ही साथ अनियंस वगैरह फ्राई करें, जो कि कंपनी भी बोलती है कि आप वेजिटेबल्स ऐड करें थोड़े से ऑयल में। मैंने इसमें अनियंस ऐड करे हैं, टमेटोज़, कैरेट हो गया, कैप्सिकम, कैबेज, आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसमें टेस्ट मेकर ऐड करना है, फिर वेजिटेबल सॉटे करो, और मैंने थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद रिक्वायर्ड है थोड़ा सा पानी, बहुत कम। उसके बाद उसको ढक के पकने दिया, फिर मेरी नूडल्स भी रेडी हो गई थी, मैंने उसे ड्रेन कर लिया है। उसके बाद मैंने ड्रेन नूडल्स ऐड कर दी वेजिटेबल्स में, थोड़ा सा सौते किया, एंड क्योंकि नूडल्स ऑलरेडी बॉइल्ड थी तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद मैंने गैस बंद कर दी और मेरी नूडल्स रेडी हो गई। ओ हमसे सनम क्या पर्दा, ओ हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का। सो नंबर वन, हेल्दी है बट बहुत कॉस्टली है। पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि अगर ये प्राइसेस कम कर देंगे तो ये प्रोडक्ट और भी पॉपुलर हो सकता है। हो सकता है प्रोडक्शन अभी कम हो इसीलिए प्राइसेस ज़्यादा हो, अगर हम लोग ज़्यादा खरीदेंगे सो धीरे धीरे करके और पॉपुलर होता रहेगा, सो धीरे धीरे करके शायद कॉस्ट इसकी कट हो जाए, आपको प्राइसेस थोड़े कम पड़े। सेकेंड है, इसमें मुझे लम्स मिले जब मैंने इसे बनाया और मैं इसे खाने लगी, सो कुछ लम्स मुझे मिले, 2-3 लम्स, इससे ज़्यादा नहीं। सो मेरे लिए वो कोई बात नहीं थी, मैंने उन्हें साइड करा और खा लिया। अगर आप लोग थिक नूडल्स नहीं आते हैं सो ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। मुझे थिक नूडल्स पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका टेक्सचर और इसकी थिकनेस, सो आई रियली एंजॉयड दैट। टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है बट इट इज़ वेरी गुड, आई एम टेलिंग इट बाय माई ओन एक्सपीरियंस बिकॉज आई एम अ फूड लवर, आई एम अ नूडल लवर। सो मुझे ये टेस्ट वाइज बहुत ही स्वाद लगा, बहुत ही यमी था। अगर मैं बात करूँ कि मैं ये नूडल्स कायरा को खाने के लिए दूंगी या नहीं दूंगी, सो मैं कहूँगी कि मैं नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि इसमें मिर्च जो इसके स्पाइसेस टेस्ट मेकर है उसमें मिर्च बहुत ज़्यादा है, मतलब वो ही एक प्रोमिनेंट यू नो स्पाइस है उसके अंदर। बहुत मिर्च हो रही है, नूडल्स तो अच्छी लग रही है पर यू नो मिर्च इतनी ज़्यादा हो रही है कि बर्दाश्त से बाहर हो रही है। मैंने सोचा था मैं कायरा को भी दूंगी बट बनाने के बाद जब मैंने इसे टेस्ट किया तो कायरा को देने लायक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मिर्च है, बच्चों के हिसाब से तो बहुत मिर्च है। मैं खाने के साथ पानी नहीं पीती हूँ बट इसके साथ मुझे पानी का गिलास रखना पड़ा। कंपनी के लिए एक सजेशन है, अगर वो मिर्च जो इन्होंने इतनी सारी डाली है वो थोड़ी कम कर दे सो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा यू नो फेमस हो जाएगा, लोग खरीदेंगे, क्योंकि एक हेल्दियर ऑप्शन है मार्केट में। सो हम इजीली अपने बच्चों को भी ये दे सकते हैं, लेकिन इसमें इतनी मिर्चें थी कि मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी, तो बच्चे की तो बात ही छोड़ दो। अब बात करें इसके टेस्ट की, टेस्ट इतना स्वाद था मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था इसे खाने में। इतनी मिर्चें होने के बावजूद मैंने इसे खाया,
मेरा मन हो रहा था कि मैं इसे और खाती रहूं, लेकिन मिर्च की वजह से इसका स्वाद ज़्यादा नहीं आ रहा था, मिर्च का ज़्यादा आ रहा था। बट ओवरऑल बहुत ही अच्छी नूडल्स है। अगर किसी को बहुत स्पाइसी खाना पसंद है उसके लिए तो यू नो मज़े आ गए। मेरे पास एक पैकेट और है, मैं इसे ज़रूर बनाने वाली हूँ दोबारा, क्योंकि मैं स्पाइसी इतना खा सकती हूँ। मिर्च तो है, आई नो बेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा खा लेंगे तो चल जाएगा, इतना भी नहीं है कि नहीं, लेकिन बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मिर्च इसमें इतनी ज़्यादा है तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे से खाएंगे। क्वांटिटी की बात करें, काफ़ी क्वांटिटी थी, जैसे कि कंपनी ने बताया है कि 2 एडल्ट और 2 चिल्ड्रन के लिए है। सो व्हाट आई फेल्ट कि अगर आपको इसकी क्वांटिटी और बढ़ानी है तो आप बहुत सारी और वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मैंने इसमें वेजिटेबल्स ऐड करी है, आप अपनी पसंद की और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाएगी। अब बात आती है कि मैं इसे दोबारा खरीदूंगी या नहीं। मेरे पास ऑलरेडी एक पैकेट बचा हुआ है, मैं उसे ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि इतना स्पाइसी होने के बावजूद मुझे उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यमी लगा है। सो मैं तो दोबारा खाने वाली हूँ इसको, लेकिन दोबारा खरीदने के मैं थोड़ा डाइसी हूँ। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ मैं नहीं खरीदूंगी, क्योंकि मुझे टेस्ट बहुत ही यमी लगा है, और अगर मुझे नूडल्स इतनी पसंद है, हेल्दियर ऑप्शन मुझे मिल रहा है, तो क्यों नहीं। लेकिन मैं एक ट्रिक कर सकती हूँ, टेस्ट मेकर में आधा डाल सकती हूँ, क्योंकि उसमें मिर्च बहुत ज़्यादा है। अगर उसके बाद भी मुझे स्पाइसेस लगे कम है तो मैं घर के स्पाइसेस ऐड कर सकती हूँ, हल्दी डाल दो या कोरिएंडर पाउडर डाल दो, कुछ भी। फ्रेंड्स, अगर आप ये हेल्दी नूडल्स परचेस करने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे और मुझे वहां फॉलो नहीं करते तो रितिका कोहली मेरी आईडी स्क्रीन पे है और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी कुछ अपना पर्सनल लाइफ से रिलेटेड शेयर करती हूँ, सो आप लोग मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे हम लोग आपस में यू नो एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान भी पाएंगे। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन होगा प्लीज़ उस पर भी क्लिक कर दें, एंड कमेंट करके मुझे बताएं कि और किस प्रोडक्ट को आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं। सो मैं उसका रिव्यू आपके सामने जल्द ही लेकर आऊंगी। टिल दैट, टेक केयर, बाय बाय।